हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, उसके डाइमेंशंस और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है इसको डिटेल में आपको बताया था। इसी बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर्स में, जो बिजनेस स्टडीज के थर्ड चैप्टर हैं, उसमें मैं एक और टॉपिक आज आपको कवर कर रहा हूं, दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का सेंस यहां पर ओनली एक्सटर्नल फैक्टर से है, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर को ही बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग शामिल करते हैं। तो इस बिजनेस एनवायरनमेंट का जो स्कैन करेंगे हम, जो पांच आपको डायमेंशन हमने आपको बताया है इसके पहले, उनका क्या बेनिफिट है, बिजनेस में क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो इसमें हमने फर्स्ट लिया है, एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई opportunities and getting first mover advantages. You all know that opportunities flows all over in the market, but early identification of business opportunities, those company who identify the business opportunities earlier help the organization to get the first mover advantages. वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन जाते हैं एंड बाय एक्सप्लॉइटिंग मार्केट एंड एस्टैब्लिशिंग लॉयलिटी अमंग कस्टमर्स। मीनिंग ये है कि जब बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को जो फर्स्ट टाइम जिस कंपनी, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कैश किया, उसको एक्सप्लॉइट किया और कस्टमर को एक प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, तो कस्टमर्स के बीच में उनकी एक अच्छी लॉयल्टी यानी एक अच्छी गुडविल हो जाती है और उसका एडवांटेजेस उस कंपनी को मिलती है। जैसे जब छोटी कारों की बात आई, जब भारत में मारुति से पहले छोटी कारों का प्रचलन नहीं था, लेकिन छोटी कार के रूप में सबसे पहले भारत में मार्केट में मारुति कंपनी ने कार लॉन्च किया, तो निश्चित रूप से वो कार लीडिंग कंपनी बन गई। इसी प्रकार टू व्हीलर में जो हीरो होंडा, जो आज के डेट में हीरो मोटोकॉर्प है, तो हीरो होंडा सबसे पहले फ्यूल सेविंग्स को लेकर और टेक्नोलॉजी में चेंज करते हुए बाइक बनाया, तो उन्होंने सारे उस समय के जो स्कूटर्स बजाज वगैरह थे उनको पीछे छोड़ते हुए मार्केट में लीडिंग पोजीशन में आ गए और वो आज तक लीडिंग है। अगर मोबाइल ऐप के बारे में बात करें तो जो एडवांटेजेस आज फेसबुक या व्हाट्सएप को मिलता है वो दूसरे किसी इस प्रकार के ऐप को नहीं मिल रहा, जबकि उसके सिमिलरिटीज कई एप्स मार्केट में आ गए हैं। तो रीजन क्या है कि जो फर्स्ट टाइम उस अपॉर्चुनिटीज को कैश करते हैं बिजनेसमैन, उनको निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइमली स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। देन सेकेंड वन इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। दैट मीन्स टाइमली स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऑड्स आने वाले हैं, कुछ थ्रेट्स आने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो अगर उसकी हम स्कैनिंग करते हैं तो इस टाइमली स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द इंफॉर्मेशन विच द बिजनेसमैन गेट, इस स्कैनिंग से जो बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, फ्यूचर में कस्टमर्स के किस प्रकार से ट्रेंड बनने वाले हैं, तो इसके लिए जो मार्केट सर्वे होता है, कस्टमर से मार्केट सर्वे किया जाता है कि फ्यूचर में किस प्रकार की चीजों की डिमांड मार्केट में होने वाली है, किस प्रकार की डिमांड समाप्त हो जाने वाली है, तो दीज आर ऑल्सो ऑल दिस थिंग थ्रेड्स एंड टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस इन द कंपनीज आर मेड। तो इस प्रकार के अगर कुछ वार्निंग सिग्नल्स मार्केट से प्राप्त होते हैं जो कि मार्केट सर्वे से ही मिलेंगे, तो मार्केट सर्वे से जब इस प्रकार के कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कंपनीज को, तो कंपनीज उसके अनुसार अपने आप को चेंजेस करने का प्रयास करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज के डेट में जो
कोविड 19 का दौर चल रहा है, अब इसमें एक वार्निंग सिग्नल है कि आगे कंपनी का किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा, कंपनी किस प्रकार से जाएगी, लोगों के ट्रेंड में काफी चेंजेस आने वाला है, लोगों के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने वाला है, तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट बहुत सारी कंपनियों पे आने वाला है। आज जैसे हम लोग बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो इसमें ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ने वाला है, इसके लिए क्या क्या एप्स और क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो कंपनी इसके ऊपर मार्केट सर्वे करती है और इस प्रकार से जो चेंजेस फ्यूचर नियर फ्यूचर 2-3 साल के बाद आने वाले हैं, 1 साल के बाद आने वाले हैं, 6 महीने के बाद आने वाले हैं, कंपनी अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करती है। और ऐसी कंपनी जो बहुत जल्दी इस प्रकार की प्रिपरेशन कर लेती है, निश्चित रूप से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। एज वी नो देर आर टू टाइप ऑफ द रिसोर्सेज विच द ऑर्गेनाइजेशन यूज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। बिजनेस बाई स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, बाई अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोपरली, एंड ऑर्गेनाइजेशन मे टैप ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जब हम लोग बिजनेसमैन अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैन करते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि किस प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत इन नियर फ्यूचर है, या कौन सा ऐसा रिसोर्सेज है जिनके नियर फ्यूचर में शॉर्टेज होने की उम्मीद है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, दूसरे इस प्रकार के भी मटेरियल्स होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा सस्ते भी है, तो कंपनी और बिजनेस हाउसेस वो चेंज करने की प्लान करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है वो हमको मिलते रहे, क्योंकि रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके ऊपर इन्वेंशन करके और उस रिसोर्सेज के द्वारा प्रोडक्ट बनाने की तैयारी यह कंपनी अपनी करती है। तो इफेक्टिवली टू फॉर्मुलेट रिलेवेंट पॉलिसीज एंड टेक सुटेबल एक्शन। जब कोई कंपनी अपने रिसोर्सेज के बारे में पता लगाती है कि उनके पास किस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर उसके हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पॉलिसीज और जो भी एक्शन डिसीजन लेना है वो लेते हैं। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्स को कैसे यूज करें, और इसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट ही आपको हेल्प करता है। जब आप बिजनेस की इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो यह पता चलता है। नंबर फोर्थ इज हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। अब हम लोग को पता है कि आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या इकोनॉमिक एरिया हो, या लोगों के ट्रेंड्स में हो, लोगों के टेस्ट में हो, या लोगों के बिहेवियर में हो, एक फास्ट चेंजेज आ रहा है, और इस प्रकार के चेंजेस बिजनेस हाउसेस को अफेक्ट करती है। तो ये चेंजेस जिस प्रकार से आ रहे हैं उसके अनुसार कंपनी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि वो टाइम टू टाइम मार्केट सर्वे करें, बिजनेस स्कैन करें, इन्वायरमेंट का स्कैन करें। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, जो चेंजेस बहुत तेजी में हो रहे हैं, एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। और निश्चित रूप से जो इस प्रकार के चेंजेस हैं वो बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे जब आज मोबाइल के क्षेत्र में हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से जियो ने अपने प्लान को 4G प्लान को लॉन्च किया, और जिस अट्रैक्टिव वे में उसने अपने प्लान को लॉन्च किया, तो जितने भी दूसरे कंपनीज हैं, जो दूसरे नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली इस कंपनी है, निश्चित रूप से वो उनके बहुत पीछे चले गए। तो इस प्रकार के मार्केट स्कैन के द्वारा ही वो इस प्रकार के चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी को जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, जो लोगों के ट्रेंड में बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में अपने कंपनी को अप टू डेट करने की जरूरत होती है। तो फिफ्थ पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। एज वी नो प्लानिंग इज मेड ओनली फॉर द फ्यूचर, प्लानिंग इज रिलेटेड विद द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन।
फ्यूचर के बारे में मैं सिर्फ अंदाज लगा सकता हूं, हम लोग सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज फ्यूचर तो कंप्लीटली एक प्रकार से अनसर्टेन है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, वो अगले असेसमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या अचीव करना चाहता है, 5 ईयर का प्लान उनका क्या है, 10 ईयर का प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सारी चीजें उनको अपनी ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्लियर करनी होती है। तो इस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में प्लानिंग करना होता है। तो इसके लिए जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस की स्कैनिंग है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑल दिस स्कैनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द प्लान एंड पॉलिसी। बाय अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट प्रॉपरली एन ऑर्गेनाइजेशन मे अंडरटेक इट्स प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब वो प्लानिंग करेंगे, सही प्लानिंग तभी हो सकता है जब वो अभी प्रेजेंट बिजनेस इन्वायरमेंट को अलग अलग एंगल से मार्केट में सर्वे के द्वारा स्कैन करते हैं और उसके हिसाब से जब वो प्लानिंग करते हैं तो नो डाउट उस प्लानिंग में सक्सेस का परसेंटेज ज्यादा होता है। 100% प्लानिंग सक्सेस होना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट जितना हम उसके नियरेस्ट जाएंगे बिजनेसमैन को, बिजनेस को उतना बेनिफिट होता है। इस प्रकार से ये जो 5 इंपॉर्टेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है, इनके यूज से हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और नो डाउट ये जो आपने इंपॉर्टेंस अभी तक देखा कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन सकते हैं, थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल मुझे मिल सकता है, हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, बाय दिस थिंग्स नो डाउट बिजनेस के परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। तो बाय अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मे अचीव बेटर रिजल्ट्स, बेटर गोल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसके काफी फायदे हैं, उसके स्कैनिंग के काफी फायदे हैं। तो इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें हैं जो आप, मुझे लगता है कि उसको बुक से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जो चीज थोड़ी सी कठिन थी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इन 2 वीडियो आपको बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर मिला है, तो इसको आप देख लें। ओके।